हेलो गाइज, वेलकम टू टुडे सेशन इन क्वेंसेप्ट। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट IFC। ठीक है, व्हाट IFC स्टैंड्स फॉर? इट इज इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल स्ट्रेटजी। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू हियर, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक बिलो। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल क्वेंसेप्ट वेब एप्लीकेशन। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट सम फ्री टूल्स इन द एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज फॉर योर ट्रेडिंग एज वेल। नाउ in the application we have a video library, we have made multiple videos for you based on pro plus tools as well as on the strategies, so you can watch them. These videos are available in multiple languages. At any point of time you guys are having any kinds of doubts or query, you can go in the support, you will find our contact number as well as email ID, so you can contact us and we will be there to sort your queries out. So let's start today's topic, that is the IFC strategy. Right now when I am talking about IFC, okay, so the IFC stands for institutional funding candles, right? Institutional funding candles, right? Now there are two types of buyers and sellers, you can say, right? The one which invest smaller amount and one which invest a large amount, right? So jo large amount invest kar rahe hain, theek hai, wo kaun hote hain? They are the big institutions, and when they invest in the market, you can see there are some candles which are very big, you can say, in size, right? So these type of candle which can increase, which increases with the price, right, at a very fast momentum, you can say. So those candles are known as the IFC, institutional funding candle, right? These candle can be red or these candle can be green as well. ठीक है, red भी हो सकती है, green भी हो सकती है, because the moment can be in the upside as well as in the downside as well. ठीक है, दोनों साइड में आ सकता है. Okay, now how we can use this? So for that, what we will use, I will use a concept of a smart money here. ओके, तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी यहां पे देखने वाले हैं. नाउ व्हेन आई एम लुकिंग इनटू द IFC कैंडल, द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, टुगेदर विद आई विल आल्सो लुक इनटू द फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, तो यहां पे मैं फेयर वैल्यू गैप को भी देखूंगा, राइट? सो व्हाट विल बी द ओवरऑल सिनेरियो, कैसा होगा जिसको हमें देखना है चार्ट के ऊपर? सो द ओवरऑल सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आई विल गेट अ गुड कैंडल. ठीक है, दैट कैंडल विल बी IFC, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, टुगेदर विद इफ इट इज मेकिंग अ फेयर वैल्यू गैप. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ कैंडल, ठीक है, आई डोंट केयर इफ इट इज रेड और ग्रीन, ओके. देर इज ऑल्सो अ कैंडल, आई डोंट केयर इफ इट इज रेड और ग्रीन, ओके, बट आई एम गेटिंग अ फेयर वैल्यू गैप हेयर, ओके. द फेयर वैल्यू गैप, हाउ वी विल कैलकुलेट इट? सो आई वॉन्ट द गैप बिटवीन द हायर ऑफ द फर्स्ट कैंडल and the lower of the third candle. So this is my third candle, this is my first candle, this is my second candle, right? So the gap between these two bodies, this will be known as, so this gap will be known as the fair value gap, right? So जब भी मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा, अ गुड IFC कैंडल टुगेदर विद द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, देन आई विल गो फॉर द स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, राइट? दिस स्ट्रैटेजी कैन बी फॉर द बुलिश मार्केट के लिए भी हो सकती है, इफ योर IFC विल बी इन द ग्रीन, और दिस कैन बी फॉर द बेरिश मार्केट एज वेल, इफ योर IFC विल बी इन रेड. सो एट दैट टाइम योर मार्केट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, देन योर कैंडल्स, यू कैन से, देन योर कैंडल्स विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसी कुछ लगेंगी, एंड एट द टाइम दिस विल बी रेड कैंडल, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल होगी, गुड IFC, सो दिस इज योर IFC इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, बिकॉज ऑफ बिग बॉडी और एक बहुत फास्ट मोमेंटम से इसने मार्केट में अपनी पोजिशन बनाई होगी. आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द फेयर वैल्यू गैप, तो फेयर वैल्यू गैप दिस विल बी माई FVG, ओके, एंड आई डोंट केयर इफ इट इज रेड और ग्रीन द फर्स्ट कैंडल, आई डोंट केयर इफ माई थर्ड कैंडल इज रेड और ग्रीन. तो जब भी मेरे को ऐसा कुछ मिल जाएगा, at that time I will apply this strategy in the market, theek hai. So I hope the concept is clear. Let's directly go to the application, let's see some examples. So for that we have to go in the analyze, then in charts, trade and order, theek hai. So right now we have the chart of Nifty here, and we will select the time frame for this strategy. इट शुड बी 5 मिनट, ठीक है, इंट्राडे में आप इसे 1 मिनट के साथ भी चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है. आई एम यूजिंग इट फॉर 5 मिनट्स राइट नाउ, एंड लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग्स फर्स्ट, ओके. नाउ लेट सी, नाउ वेन एवर आई एम अप्लाइंग दिस स्ट्रैटेजी, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू लुक आउट, आई हैव टू लुक फॉर इज फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और द चेंज ऑफ करेक्टर, right? For example, I can see this is my IFC, right? Because it is a very big candle,
ओके, और बहुत सडन मूवमेंट से इसने मार्केट में अपनी जगह बनाई होगी, राइट। सो इट मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ बिग प्लेयर्स का पैसा इसमें रहा होगा, राइट। सो दिस इज माई IFC, ओके। नाउ टुगेदर विद IFC, व्हाट आई हैव टू लुक फॉर, आई हैव टू लुक फॉर इफ दिस IFC इज ऑल्सो डूइंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर नहीं कर रही है तो आई विल लीव दिस स्ट्रैटेजी, आई विल नॉट अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। नाउ हाउ कैन वी एनालाइज इफ देर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नॉट? सो यू कैन सी द मार्केट केम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन इट गोज अबव एंड इट मेड अ हाई हेयर, तो यहां पे मेरा एक हाई बन चुका है। देन मार्केट अगेन फॉल बैक, तो यहां पे इसने एक लो बनाया, राइट। एंड देन यू कैन सी देयर वॉज अ कैंडल एंड दिस IFC वॉज मेड हेयर, एंड मेरा जो ये IFC है इट ऑल्सो डिड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज इट ब्रोक द प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही ब्रेक हुआ प्रीवियस हाई, इट मीन्स द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपेंड, फर्स्ट कंडीशन डन। सो दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन IFC कैंडल, आई गॉट IFC कैंडल एज वेल। थर्ड कंडीशन विल बी फेयर वैल्यू गैप, इफ देर इज अ फेयर वैल्यू गैप और नॉट, right? So let's see if there is a fair value gap in IFC or not. So for that, first of all, let me zoom a chart a little bit for you so that you can see it clearly. Okay, so now I hope it is visible. Theek hai? Now my two conditions have been met. Now I will go for the fair value gap. So let's see, this is my lowermost candle. Okay, the first candle previous to the IFC and the very next candle after the IFC. So this will be my fair value gap, right? So three conditions already done: break of structure, IFC candle, and then after I got fair value gap. ठीक है, तो वो भी मेरे को मिल चुका है। Now what happened? How we will apply this strategy? So you can see this was my IFC. Okay. After that there was a retest, and after the retest, if you will get a good candle in the bullish direction, at that time you have to make your entry. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, जैसे ही आपने मार्केट ने रिटेस्ट किया, यू कैन जस्ट मेक द हाई ऑफ दिस IFC एज योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, और जैसे ही रिटेस्ट के बाद आपको आपका मार्केट ब्रेक करते इस एंट्री पॉइंट को, देन यू कुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका बुलिश साइड के लिए हो गया। नाउ देर आर वन और टू कंडीशंस मोर दैट यू हैव टू सी, बट बिफोर दैट लेट सी सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स को मैं देख लेता हूं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो सी देयर इज ऑल्सो, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड कैंडल, ओके, फॉर IFC। सो लेट सी सम प्रीवियस एग्जाम्पल हेयर, ओके। आई कैन सी अ एग्जाम्पल हेयर एज वेल, जस्ट अ सेकेंड। You can see in this candle, this was a very good institutional candle, so I can consider it as IFC, institutional funding candle. At the same time, there was a break of structure as well. ठीक है, तो यहाँ पे this was my previous high, so my previous high was broke, so I can consider it as my ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हाई था ये ब्रेक हो गया, सो इट कैन बी, जब ये ब्रेक हुआ, सो माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी डन। फर्स्ट कंडीशन मेट, सेकेंड कंडीशन अ गुड IFC कैंडल, ओके। नाउ थर्ड आई हैव टू लुक फॉर द फेयर वैल्यू गैप, सो लेट सी वेयर माई फेयर वैल्यू गैप इज। सो फॉर दैट आई विल अगेन, जस्ट अ सेकेंड, आई कैन अगेन सिलेक्ट इट एंड आई विल मार्क माई फेयर वैल्यू गैप, one candle previous to the IFC and one candle after the IFC. So you can see this is my fair value gap, right? What will be my entry point? The high of the IFC. So this will be my entry point. And then you got a good movement. Now if you are trading, now why my target is so low? You can see because there was a good resistance here. You can see there was a good resistance at this point of time. Yahan pe agar main ek line banau, let me draw a line here. Just a second. You can see. Just a second. You can see this was the zone which was rejecting my price, right? So at this point of time, if I'm taking my entry here, agar main yahan pe entry le raha hu, to obviously I will put my target this zone, right? Yehi zone mera target hoga, and you can see I got the moment. Agar yehi zone ya fir yehi resistance mera thoda upar ki side pe ban raha hota yahan kahin pe, to I could have gotten a bigger move as well. Mereko acha move bhi wahan pe mil jata. ठीक है, सो बिफोर टेकिंग द ट्रेड यू कैन कंसिडर योर रिस्क रिवॉर्ड एज वेल। ठीक है, तो यहां पे हो गया। लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल फॉर द बेरिश मार्केट। देखो एक मेरे को यहां पे भी मिला, तो यहां पे भी एवरीथिंग वॉज डन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैज डन, बिग इंस्टीट्यूशनल कैंडल, एंड देन आई कैन मार्क द फेयर वैल्यू गैप हियर, एंड यू कैन सी द फेयर वैल्यू गैप इज दिस,
राइट. नाउ आफ्टर माई थ्री कंडीशन है ऑलरेडी बीन डन. द फर्स्ट वन, दिस वॉज द हाई ऑफ द मार्केट. नाउ यू कैन सी दिस वॉज द IFC, द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल. ओके, सो माई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल इट सक्सेसफुली ब्रोक माई structure, right? So break of structure has done, IFC candle done, then I will wait for the market retest, and you can see there was a good retest in the market, and after this retest I can mark the high of this IFC as my entry point. Okay, and then you can see you got a good move in the upward direction, right? So this is how you can trade in the bullish direction as well as in the bearish direction. ठीक है, तो bearish direction का भी अगर मेरे को कोई example मिलता है तो आई विल टेक दैट एज वेल. ठीक है, मैं देख लेता हूं कि अगर मेरे को कहीं पे मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो गाइज आई गॉट अ एग्जाम्पल हियर फॉर द बेरिश मार्केट एज वेल, राइट. सो यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी माई थ्री कंडीशन हैज बिन डन. सो देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. दिस वॉज माई लोएस्ट पॉइंट. Okay, so it got broke by this IFC. So it means break of structure done. This was my IFC. Okay, so second condition already met. Then I have to look for market for a retest. So you can see my market gave me a retest at this point. So this is my retest. And after that, I have to make the lower of this IFC as my entry point. And when my market broke this, you can see a good movement in the bearish direction. So this is how you can get this strategy for bearish market as well, right? ठीक है, अब यहाँ पे एक और condition apply होती है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ direct closing. ठीक है, this is a exception. Please यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, watch carefully. I am telling you about a exception. ठीक है, एक exception यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, एक exception क्या हो सकता है कि for example I got this candle, right? Now after this candle, if suppose I was trading in the bearish direction, क्योंकि मेरे IFC ने इसको break कर दिया, right? So I am making a view of bearish direction. Now at any point of time, if there will be a green candle, जैसे ये green candle बनी, ठीक है, ये green candle बनी. Now I was waiting for the retest market, but if this green candle will break this fair value gap. अगर ये इस ग्रीन कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप को एक ही बारी में क्लोज कर दी थी ऊपर के लिए, एट दैट टाइम आई हैव टू ट्रेड इन द बुलिश डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप से मैं मार्केट को रिटेस्ट करने की नीचे बेरिश डायरेक्शन के लिए सोच रहा था, माय ग्रीन कैंडल सक्सेसफुली ब्रोक इट आउट. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि यू आर मेकिंग अ फेयर वैल्यू गैप, यू आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू गो डाउन, एंड एट द सेम टाइम देन देयर इज अ कैंडल व्हिच विल ब्रेक द फेयर वैल्यू गैप अगेन कंप्लीटली, एक सिंगल कैंडल में ही ब्रेक होना चाहिए. सो एट दैट टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट विल रिवर्स इटसेल्फ. ठीक है, सो यू शुड बी ट्रेडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट दैट टाइम, राइट. सो दिस इज द एक्सेप्शन हियर, एंड मेक श्योर वन फेयर वैल्यू गैप विल ओनली वर्क वंस. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज बनाया 9:15 पे एंड यू आर ट्रेडिंग विद दैट फेयर वैल्यू गैप टिल 3:30. ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप है, इट विल ओनली वर्क वंस, नॉट अदर देन एल्स, राइट. तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपको मजा आया होगा. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, यू कैन कमेंट योर व्यूज इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन. यू कैन लाइक द वीडियो, ठीक है, अगर आपको पसंद आई, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत. हैव अ गुड डे.